हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडाई की रेसिपी, जिसको मैं दो फ्लेवर में बनाऊंगी। एक बनाऊंगी पान फ्लेवर और एक नॉर्मली जो हमारी ठंडाई होती है वो बनाऊंगी। तो ठंडाई के पाउडर की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ठंडाई पाउडर घर पे ही आप इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही ठंडाई कितनी बढ़िया लग रही है। गर्मियों में तो ठंडाई पीना बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, और अगर ऐसे में हम इसको घर पे ही बना के तैयार कर लें तो इजीली भी बन जाती है और ज़्यादा भी क्वांटिटी में बनती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी पान ठंडाई, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस पान ठंडाई की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिए हैं पान के पत्ते 3, और इसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया था। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी स्टिक है ना, इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि जो स्टिक होती है हल्की सी कड़वी होती है, तो इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली स्टिक भी निकाल लेंगे। अगर पूरी स्टिक निकल जाए तो और अच्छी बात है। जैसे कि देखिए, जब मैंने इस वाले की निकाली तो पूरी एक साथ ही ये स्टिक इसकी निकल गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अगर इस तरीके से निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अब हम जो हमारे पान के पत्ते हैं इनको हम रफली कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी तोड़ के डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से छोटा छोटा आप इसको तोड़ सकते हैं। और ये जो पान की ठंडाई होती है गर्मियों में बहुत ही बढ़िया रहती है, और ठंडाई तो गर्मियों में अच्छी लगती है। चाहे कोई सी भी ड्रिंक हो, आप उसमें थोड़ा सा ठंडाई का पाउडर डाल दें तो हेल्दी ड्रिंक आपकी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पान को मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, दोनों पान को, तीनों को। जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतनी आप पान इसमें ले सकते हैं। मैंने 2 से 3 पान इसके अंदर लिए और इनको रफली चॉप कर लिया। अब ग्राइंडर में मैंने डाल दिया थोड़ा सा दूध, और जो हमारे पान के पत्ते हैं ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच ठंडाई का पाउडर और 2 चम्मच चीनी डालूंगी। तो जो ठंडाई का पाउडर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने घर पे ही बना रखा है ये, तो अगर आपके पास ठंडाई का पाउडर ना हो तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, या फिर आप इसी के साथ साथ काजू बादाम और पिस्ता और साथ ही गुलकंद या फिर रोज पेटल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यही फ्लेवर आएगा बिल्कुल। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट जो है मैंने डाल दिए, अब इसको पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पीस दिया, और बहुत ही बढ़िया हरा सा इसका कलर आ गया है बिना फूड कलर के। आप चाहें तो हल्का सा इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है, मैं इसका ओरिजिनल कलर ही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा पीस गया है, इसको अब करते हैं सर्व। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़ी सी आइस क्यूब, और आइस क्यूब के साथ साथ मैंने जो पेस्ट बनाया है इसको डाल दूंगी 3 से 4 चम्मच। अगर आपको पान का फ्लेवर थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा पेस्ट डाल सकते हैं, और कम चाहिए तो 2 चम्मच इनफ रहेगा। मुझको इसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर डाला है। और अब बस इसके अंदर डाल देंगे ठंडा ठंडा दूध और कर देंगे अच्छे से मिक्स। सो रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग सी पान की ठंडाई। देखिए कितना बढ़िया इसका लाइट ग्रीन कलर आया है। तो बस रेडी है हमारी पान की बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी ठंडाई। अब हम बनाएंगे इसके बाद अपनी नॉर्मल वाली ठंडाई। तो आइए नॉर्मल वाली ठंडाई बनाना बताते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे इसको। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जार में 2 चम्मच डाल दी है ठंडाई, और इसके साथ साथ डाल दिया है 2 से 3 चम्मच डाल दी है चीनी। आप चीनी अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर डाले हैं तो उनकी भी अपनी एक मिठास होती है। और यहाँ डाल दिया है 1 ग्लास दूध, और इसको एक बार चला लिया है। तो देखिए बन के तैयार है हमारी नॉर्मल वाली ठंडाई भी, और इसको भी सर्व करते हैं आइस क्यूब के साथ। तो बस रेडी है हमारी दोनों ही ठंडाई। इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी रोज पेटल से और पिस्ता की कतरन से, और इसके बाद थोड़े से मैं इस पे जो हमारी ठंडाई का पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो बस रेडी है हमारी दोनों ही टाइप की ठंडाई। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।